दोस्तों बिग बॉस 14 एक ऐसा रियलिटी शो है जिस पर पहले ही दिन से लोगों की पैनी निगाहें बनी रहती हैं। शो के शुरू होने के बाद से ही लोग बिग बॉस 14 के घर में नजर आ रहे सितारों के बारे में बात करने लग जाते हैं। कई बार सोशल मीडिया पर इन कंटेस्टेंट की तारीफ होती है तो कभी इन सितारों को बुरी तरीके से ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ता है। यहाँ तक कि शो में नजर आ चुके इस कंटेस्टेंट भी शो के बारे में अपनी राय रखने से नहीं कतराते हैं। बिग बॉस 14 के सीजन में भी कई बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट घर वालों को ट्रोल कर चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, जैस्मिन भसीन को बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट की ये हरकतें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही हैं। बिग बॉस 14 के घर के बाहर आने के बाद जैस्मिन भसीन ने इस बात का खुलासा किया है। घर से विक्ट होने के बाद जब जैस्मिन भसीन ने सोशल मीडिया पर देखा कि किस तरीके से घर के एक्स कंटेस्टेंट उन्हें भी ट्रोलिंग का शिकार बना रहे हैं, जिसको लेकर वो खासा नाराज नजर आई हैं। हालांकि उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया अपने इंटरव्यू के अंदर, लेकिन उन्होंने इशारों के अंदर कई लोगों के बारे में ऐसी बातें कह दी हैं जो आपको भी जानकर काफी हैरानी होगी। आपको बता दें कि बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट में काम्या पंजाबी, देबोलीना, करण पटेल जैसे कई ऐसे सितारे हैं जो अपनी अपनी राय रखते हैं सोशल मीडिया पर। लेकिन जैसे ही जैस्मिन भसीन ने देखा कि इन लोगों ने उन्हें भी ट्रोल करने से नहीं छोड़ा है, इसको लेकर अपने एक इंटरव्यू में काफी भड़की हुई नजर आई हैं जैस्मिन भसीन। अपने एक इंटरव्यू में बात करते हुए जैस्मिन भसीन ने कहा कि किसी के बारे में सोशल मीडिया पर नेगेटिव कमेंट करना काफी आसान होता है। कमेंट करते हुए लोग ये बात भूल जाते हैं कि इससे किसी की इमेज भी खराब हो सकती है। लोगों के पास बहुत सारा टाइम है नेगेटिविटी फैलाने के लिए, क्योंकि ये सब लोग यहाँ पर वेल ले बैठे हैं। इसके साथ ही जैस्मिन भसीन ने कहा कि बिग बॉस 14 के घर से बाहर आने के बाद मैं अपने दोस्तों के साथ जमकर खा रही हूँ, पी रही हूँ, इसके साथ ही पार्टी भी कर रही हूँ। जल्दी मुझे अपना काम भी शुरू करना है जिसके लिए मैं पूरे तरीके से तैयार हूँ। मैं इन लोगों पर बिल्कुल भी तवज्जो नहीं देना चाहती हूँ, क्योंकि ये लोग बिल्कुल खाली बैठे हैं और इनका काम है सिर्फ और सिर्फ लोगों की इमेज खराब करना। जैस्मिन भसीन ने किसी का नाम तो नहीं लिया, लेकिन आप भी जानते हैं कि जिन जिन लोगों ने सोशल मीडिया पर जैस्मिन भसीन के बारे में उल्टी सीधी बातें कही हैं, तरीके के पोस्ट किए हैं, ये इंटरव्यू जैस्मिन भसीन का उन्हीं लोगों के लिए था।